एक सवाल हम मुश्ताक भैया से करना चाहेंगे कि आज आखिर जब नेता लोग जब स्टेटमेंट देते हैं, कभी आप सुने होंगे कि एक बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुने होंगे किस तरह से अपशब्द बात जो है किस बोले हुए थे महिलाओं को लेकर के, तो क्या वो लोग जब कोई भी बात गलत बोल देते हैं बाद में माफ़ी मांग लेते हैं तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आखिर पत्रकारों के ऊपर इस तरह से क्यों कार्रवाई हो जाती है? आज तक शेर के गला में कोई घंटी बांधा है? नहीं बांधा है। काहे नहीं बांधा है? उसको पता है जिस दिन हम उनका सामने खड़ा होंगे हम खुद चटनी बन जाएंगे। हम लोग पत्रकार जो हैं, कहने के आज चटुकार पत्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसी का बदौलत आज कार्रवाई होता है। अगर कोई आप सच्चाई दिखा रहे हैं, आप जिस दिन सच्चाई दिखाना स्टार्ट कीजिएगा, आप ही का संगत लोग जो है आपका गलत सोचने लगेंगे, इसलिए क्योंकि आपकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी जो कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या खूबियां है उसको नहीं दिखाएंगे। आपके जैसे विपक्ष मान लेते हैं, अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, नहीं समर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं जी ये गलत है, तो आप पत्रकार आप इनके साथ मिल जाइएगा और मेरे खिलाफ इतना इनको भड़का दीजिएगा, मजबूरी हो जाएगी। तो वही है। अच्छा। तो जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिए, तो जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इन लोगों का हाथ में कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि जिस दिन उन लोगों का कंधे पर या उनका कालर पकड़ने का कोशिश करेगा खुद वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग का जो है कीड़े मकोड़े की तरह आजकल देखा जा रहा है, इसलिए आम बात है हम लोगों पर आरोप लगाना और आरोप लगाने के साथ साथ वो जेल में डालना। अच्छा, शेर की जहाँ तक आप बात किए, तो शेर आप किसको बोले? अरे गिद्धड़ ही तो शेर है आज के डेट में, जो गिद्धड़ है वो शेर है जी, वो शेर नहीं है। हम शेर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जंगली शेर की हम बात की, ये गिद्धड़ वाली शेर की हम बात नहीं कर रहे हैं। आप नेता की जो बात कर रहे हैं, हम नेता की बात नहीं कर रहे हैं, वो शेर की हम बात की है, जो उस शेर का जो है गले में कोई घंटी नहीं बांधता। और आज का डेट में आप शायद जिसे शेर साबित कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं गिद्धड़ है। लेकिन ये नहीं आपको लगता है कि झारखंड का शेर जो समर भैया आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो शेर के डर से, इसको ना कहा जा सकता शेर के डर, तो ये नहीं, शेर के डर से जो है कि शेर को सोचे कि पीड़े में बंद कर लेंगे, लेकिन पीड़े में बंद करने से शेर की आवाज को दबा नहीं पाएंगे लोग। चुनाव आएगा, आप जुमलाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे, मुंह नहीं दिखाएंगे, वो शेर कभी होता है नहीं। शेर तो वो होता है जो गरीब असहाय लोगों का आवाज उठाएगा और हमेशा दिन हो रात हो फील्ड में बना रहेगा। शायद हमको इतना तो पता होगा, समर जी के साथ भी वो घटना जरूर घटा होगा, हम लोग रिपोर्टिंग करके आते हैं घर के, घर का जैसे दहली हम लोग पार किए कदम, जैसे आप सोचे जब फ्रेश होकर खाना होना खाए वैसे हम लोग का फोन आता है, जब मुश्ताक भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग खाना छोड़ के निकल के आते हैं। ये हम लोग का सद्भावना, इनके साथ भी ऐसा कभी घटना हुआ होगा, किसी नेता को फोन करके देखिएगा। अच्छा, तो आप कितना बार कभी नहीं करेगा? आप कितना? अरे भाई, मेरे पास चार को अभी भी ऑलरेडी केस है, दो बार हम जेल जा चुके हैं और हम जो जेल में गए हैं वो भी हम किसी का रेप करके नहीं गए हैं, बलात्कार करके नहीं गए हैं, किसी का चोरी करके नहीं गए, डरवा धमका के नहीं गए, हमको भी वही भेजा गया जो आपका स्थिति को हमने दिखाया, आपकी कमी को मैंने दिखाया, जो आपको मौका मिला हमको भी रगड़ दिए, दो बार चले गए, एक बार 3 महीना जेल काटे, एक बार लगभग 1 महीना, 4 महीना मेरा हुआ, 8 महीना इनका कंप्लीट हुआ, नहीं किए उसका हम लोग सजा भोगते हैं और उसका अच्छा, सजा हम लोग काट का है। सर, बाकी आज जो है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ इधर ग्रीन लाइन न्यूज के पत्रकार मुश्ताक भैया हैं, जो हमेशा इनका प्यार मुझे मिलते रहता है, और बाकी झारखंड का शेर इधर भोकाल भैया जी हैं, इनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनसे जो है कि मैं पहली बार वाकई में मुलाकात किया हूं और बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। तो खासकर जो आरोप लगाते हैं हम पत्रकारों के ऊपर, हम जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर, तो उन लोग से मैं एक शेर जो है कि कहता हूँ कि मैं मर जाऊँ मुझे कोई गम नहीं है, हम लोगों की यही जो है कि पुकार है, हम लोग की यही आवाज़ है कि मैं मर जाऊँ मुझे कोई गम नहीं है, मगर सच्चाई को दिखा करके ही रहूंगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो जाते जाते आप, पेट है तो मुर्गा भात तो खाना है, ऐसा नहीं है, मुर्गा भात खाते रहिए, लेकिन वोट सोच समझ के दीजिए। मुर्गा भात अपना पैसा से खाना है, अपना पैसा से खाना है, समझ गए? वही मेरा कहने का मतलब वही है, मुर्गा भात पेट है तो खाना है, खाते रहिए, लेकिन सोच समझ के जो आपके बीच का हो, क्योंकि वोट के समय आपके पास रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सब चीज आपको कह देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद आप उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है जी। तो कहीं ना कहीं अगर एक युवा को अगर आप मौका देंगे, अपना क्षेत्र का मौका देंगे, हमारे जो बीच का जो एक चटाई पर खाता है उसका अगर मौका देंगे, तो क्षेत्र का भी विकास होगा, हमारा घर का भी विकास होगा, और कहीं ना कहीं हमारे छत के बारे में, रोटी के बारे में वो सोचेंगे। पलामू का बहुत सारा ऐसा समस्या है, जो लोग आज हजारों हजार की संख्या में पलायन करते हैं, अब हमारा झारखंड हो गया, बिहार, यूपी, ये 3, आप जिस एरिया में जाइए, ये 3 राज्य का जो है आपको मजदूर
मिलेंगे, तो आप अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों का जिताइए जो आपका समस्या को समझ के यहाँ पर प्लांट उलांट की व्यवस्था करें ताकि रोजगार दिया जाए। और बाकी मैं भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब सोच समझ करके वोट दीजिए, जो आपके सुख दुख में हमेशा काम करने वाला व्यक्ति हो ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए, क्योंकि चुनाव बार बार नहीं आता है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।